गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, देखो गुड मॉर्निंग हमारी बीवी की तरफ से। आई होप कि आप सभी इसी तरह प्यार और सपोर्ट हमारे वीडियो पर देते रहिए। तो अभी सुबह हो गया है ना, हमारी बीवी भी हमारे साथ जग चुकी है। तो आप लोग बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, और अभी हम नहाए वो करेगी नहाई राशि, और हमारी बीवी भी नहाएगी और हम भी अभी जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए। चलिए ब्लॉग पर बने रहिए एंड तक। आ रहे हैं ले को राशि को नहाने के लिए, और ये भी नहाने के लिए रेडी हो चुकी है, और ये तौलिया लेके जा रहे हैं नहा के आते हैं। तो आप लोग को दिखाएंगे राशि का नहाया हुआ अच्छा कैसे करते हैं। हमारी राशि नहा के आ चुकी है, नहा ली सुबह सुबह, मम्मा से पहले नहा ली राशि, नहा ली ना रिजर्ज। तो अभी हमारी बेबी नहा रही है, अब इसका जो है कपड़ा वपड़ा पहना के इसको तो पहले तैयार कर देते, उसके बाद हम जाएंगे नहाने के लिए। तो देखिए सुबह सुबह नहा लिए, कौन कौन सुबह सुबह नहाते कौन बताइए बोलिए। तो ठीक है, अभी राशि को ठंडा लग रहा है ना, तो राशि को कपड़ा फटा कर कपड़ा पहना देते पहले। ठीक है, राशि तैयार हो गई है, कैसी लग रही है फ्रॉक में आज आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टकली रो रही थी है ना, टकलो नहीं टिकली नहीं राशि मेरी कैसी लग रही आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। बहुत दिन के बाद फ्रॉक पहनी है, तो यहाँ पर हम देखिए मूंग का दाल उला रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और उस टाइम मूंग देखिए उला रहे हैं क्या करें, दाल मतलब इसका दाल बनता है, आप लोग बताइए। तो ये देखिए हमारे मुँह ऑफ पाला, और मतलब ना उस टाइम सॉरी उस टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हम नहीं बना पाए थे, इसलिए इस बाद में बोल रहे सॉरी। और उसमें मतलब क्या था उसे बताते हैं, उसे दाल देखिए उसे दरते हैं अब क्या बताएगा। और उसके बाद हम दाल, उसके बाद रोटी और चावल दाल बनाना पड़े आज सभी चीज़। तो हो सकता है थोड़ा आज ब्लॉगिंग में लेट हो सकता है आने में, इसीलिए तो फटाफट पहले दाल दर रहती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। खाना वाना बन के रेडी हो गया था, और आप लोगों ने देखा वो मूंग का दाल, उसको जो है दाल चावल सब्जी सभी कर उड़ के रखे। तो खाना अब ब्लॉग शूट कर सोचे कि बहुत सारा जो है शूट नहीं कर पाए थे ब्लॉग इसीलिए। तो अभी हम खाना वाना बना के पूरा रेडी हो गए हैं नहावा का, और मेरी छोटी बेटी जो है यानी कि सॉरी हमारी तो एक ही बेटी है प्रिया, ये छोटी है ना इसीलिए। तो राशि गई है घूमने के लिए छोटी दादी के पास, और हम तो खाना खाने, आप लोग बताइए आप लोग खाना खाएं या नहीं खाएं। तो चलिए अब मतलब मिलते हैं दोपहर में, हम बता रहे हैं 3:03 बजे ही आ गए हमारे घर में मछली, और अभी मछली होगा धूप में बनाने, देखिए और कितना ज़्यादा अभी धूप है यहाँ पर, देखिए अभी बनाना पड़ेगा हमें वहाँ पर जाके मछली। और अभी जा रहे हैं हम सभी आप लोग को बैक कैमरा से दिखाएँ, ठीक है सब ब्लॉग पर बने रही हैं। चलिए अभी मछली जो है अभी फ्राई करने जा रहे हैं, तो चलिए आप लोग को दिखा रहे हैं। बना लिए हम चूल्हा, आज हो गया है, और धूप में मतलब काफ़ी ज़्यादा धुआं लग रहा है। ये देखिए मान ली इसमें हल्दी और नमक, इसमें और सभी मसाला हल्का हल्का मिक्स कर लिए हैं, और हम इसे फ्राई करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा धुआं लग रहा है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं, लिए पूरा गर्म हो चुका है, और मछली में हम इसमें सभी चीज़ ऐड कर दिए थे अपने अनुसार जो चाहिए था। अब देखिए इसमें दे रहे आग उठ गया, तो हम इसे दो बार में ऐड करेंगे, मतलब दो बार में होगा ये, कितनी फ्राई करके फटाफट आप लोग को दिखा देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मतलब मछली भी हो रहा है, और हम ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि इसका जो धुआं है सीधे आँख में पड़ रहा है, और साइड में बैठेंगे तो धूप भी लगी है बहुत ज़्यादा, और फेस इतना ज़्यादा धूप है कि फेस जल रहा है। और तो अभी हम देखिए फ्राई कर रहे हैं, तो
और हमें ना मतलब तेल बनाए इसीलिए हम कम तेल की मात्रा में थोड़ा सा तेल में इसे फ्राई करते हैं इसीलिए। तो आप लोग भी तेल का कम से कम यूज़ कीजिए, क्योंकि तेल खाने से हमारे जो है कि पेट के प्रॉब्लम, पेट में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए कम तेल का यूज़ कीजिए आप लोग भी। और बुरा लगे सॉरी। मछली फ्राई करके उड़ी है और फेस धो रही थी क्योंकि ज़्यादा जल रहा था हमारा फेस, इसीलिए आप लोग को देखिए वहाँ पर देखिए सभी हटा कर रख दें। और शाम में जब होगा तो उसे रस वाला करेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे, और अभी फ्राई किया हुआ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फ्राई किया हुआ एक थाली यहाँ पर है, और सेकेंड थाली में यहाँ है। तो हमें मतलब कि दो रंग का था मच्छी, दो तरह का था मच्छी, तो इसीलिए हम दोनों तरह का फ्राई करके रख लिए। और शाम को रोटी के साथ इसे बनाएंगे, क्योंकि हमारे इधर छोटा वाला मच्छी ना ये रोटी के साथ फाइनली खाया जाता है इसीलिए। तो चलिए अब शाम को मिलते हैं, अभी ऐसे भी झाड़ू बर्तन भी करना बाकी है तो वो करके आप लोग से मिलते हैं। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए अंत तक। सबका सभी काम हो गया था, और हम ना अभी देखिए हम सभी चीज़ यहाँ पर रख लिए हैं, मतलब रोटी बनाएंगे और उधर मछली जो फ्राई किए थे उस टाइम वही मतलब रस वाला करेंगे रोटी में हल्का रस दे के। तो अभी चलिए हम फटाफट से भी खाना बना लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए बहुत मुश्किल के बाद भी देखिए हमारा आँच अभी पूरा धर चुका है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। अभी देखिए ये वाला से धरा, तो ये वाला दे के भी जलाएँगे बहुत, ताकि ये आँच अच्छे से धर जाए। अब ये मेरा कढ़ाई चला गया इस पर, ठीक है। अब फटाफट से बना लेती हूँ क्योंकि लाइट जो है, हवा भी बढ़ रहा है और मौसम भी ख़राब है। देखिए आप लोग देख सकते हैं मौसम कितना ख़राब है, कभी भी बारिश पड़ सकता है, इसीलिए हम फटाफट से बना रहे हैं। चलिए तो तब मेरा सॉरी दिख गया है इसीलिए, तो चलिए बना रहे फटाफट से। बनाने के लिए सूखा मिर्च को देखिए ऐसे तोड़ रहे हैं चार पाँच। हम तो ज़्यादा तीखा खाते हैं मेरे इधर का, इसीलिए ये देखिए इतना सा ही देंगे, बेसी नहीं देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे इसीलिए। और ये रहा हमारा हल्दी का बुकनी, अभी दे रहे हैं हल्दी का बुकनी। और ये रहा मेरा धनिया का, सॉरी मिर्ची का है, थोड़ा तीखा बना देते हैं क्योंकि। और अब धनिया का पेस्ट मतलब हल्दी बुकनी देंगे, यानी हम लोग मसाला बोलते हैं धनिया का मसाला, आप लोग क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये रहा मेरा फाइनली मिक्सर मसाला, अभी मसाला सभी कर रहे हैं। ये देखिए इसमें लहसुन, और तो इसमें हम इसमें लहसुन और रैची हम लोग करते हैं, इसमें लहसुन रैची और प्याज का पेस्ट है, और इसमें भी जो है धनिया मसाला हल्दी मसाला जितना भी मसाला होता है उसमें अभी ऐड करेंगे। उसके बाद अभी थोड़ा देखिए कितना ज़्यादा धुआं लगता है, बहुत मुश्किल होता है इस पर खाना बनाना। अच्छा कौन कौन लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं, मिट्टी के चूल्हे पर, प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तभी हम फाइनली थोड़ा मसाला निकाल लेते हैं। तब तक हम आटा सानने के लिए, इसमें हमारा आटा है और उसे चाल के अभी आटा रोटी बनाएंगे, तो उसके लिए अभी आटा गूंदेंगे। तो चलिए आप देखिए और ये फाइनली शाम का भी खाना हर एक चीज़ बन के हो गया था रेडी। और मतलब उस टाइम जो है लाइट गया था कट, तो और ब्लॉग नहीं शूट कर पाए थे, सॉरी उसके लिए। तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा रहा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं कल सुबह वाले ब्लॉग में, ओके, लव यू गाइस, बाय बाय।